वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आपकी दोस्ती पर आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और मॉर्निंग का टाइम है और 6:30 हो रहे हैं लगभग। तो मैं उठ गई थी काफ़ी जल्दी, ऊपर में सीटी आ रही है, गैस पे रखी है सब्जी, छोले रखे हैं उबलने के लिए। और अभी घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि घर पे आने वाला है कोई गेस्ट, तो जो आने वाला है आपको पता ही चल जाएगा आगे दोस्तों। और घर की साफ सफाई करेंगे अभी, तो अभी कर लूँगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। और आज कहीं जाना है ज़रूरी काम से, तो आज जल्दी उठ गई थी, बच्चे सो रहे हैं और बस मैं घर की सफाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो जल्दी पहले डस्टिंग करूँगी फिर मॉपिंग करूँगी ना। सो गाइज, बन जाती हूँ मैं सुपर वुमेन और लग जाती हूँ अपने कामों पे। सबसे पहले जब भी अगर मेरे घर पे कोई आता है या मुझे कहीं फास्टली जाना होता है तो मैं बस यही करती हूँ, सबसे पहले घर को डस्टिंग कर देती हूँ, घर की चीज़ें सेट कर देती हूँ, झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद कुकिंग करती हूँ और मॉपिंग करती हूँ बाद में। तो कुकिंग करते समय कुछ नीचे गिर जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, तो पहले पोछा लगा लो तो फिर वो गंदा दिखता रहता है दिन भर और मुझे फिर गंदा अच्छा नहीं लगता घर। तो मैं जल्दी जल्दी सारे घर की डस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने किचन में जाऊँगी। तो इधर भी जो चीज़ें फैली हुई हैं, सोफ़ा कवर वगैरह, तो बच्चे बिगाड़ ही देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो सब क्लीन करना होता है। कुछ बिस्किट वगैरह खाते हैं, शाम को उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो फैला देते हैं घर बच्चे मिलके। फिर फ़ैन चला लिया क्योंकि गर्मी ना मॉर्निंग से ही लगनी शुरू हो जाती है, गर्मी हो गई है तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। रात में ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज मैं काफ़ी थक गई थी और मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्लॉग ना कोई छूटे, मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहें, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी डस्टिंग कर लूँगी, अब सोफ़ा वगैरह सब सेट कर लूँगी। आप सिर्फ डस्टिंग भी कर दो ना मॉर्निंग में, चीज़ें इधर उधर फैली ना हो तो भी आपका घर साफ लगता है। और अगर चीज़ें फैली सी पड़ी हो ना और पोछा भी लग गया, सफाई भी हो गई, तो घर गंदा लगता है। तो चीज़ों सेट दिखती रहती है तो घर बिल्कुल ठीक लगता है। तो मैंने घर की सारी चीज़ें सेट कर दी हैं जगह पर और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में जो दाल सब्जी हैं सब फ्राई कर दूँगी। और सुबह एक गड़बड़ हो गई थी मेरे साथ में, जब मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही थी ना, पेठा जैसे मैंने कढ़ाई में उसको डाला तो उसका छींटा मेरी आँख के ऊपर बहुत तेज़ से आया। अभी देखो आएगा, मैं एकदम से पीछे हट जाऊँगी। देखिए मेरी सिस्टर्स आई हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ। तो ये मेरी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी, हम सब में सबसे बड़ी। और ये भी मेरी बड़ी दीदी है, वो सबसे बड़ी है, ये बीच वाली दीदी है और मैं सबसे छोटी दीदी हूँ। और अभी हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, बाद में आप लोगों से बात करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने ब्लॉग में आज कहाँ ले आई हूँ। आज मैं आपको ऐसी जगह ले आई हूँ कि मैंने जीवन में कभी खुद ही नहीं सोचा था कि कभी मैं ऐसी जगह आऊँगी। तो आज मैं CMO के ऑफिस आई हूँ मेरठ में, क्योंकि मेरी कम्युनिटी मीटिंग है। उसी की वजह से मेरे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, मदर फादर को भी बुलाते हैं, बट आपको पता है कि मेरे पापा हैं नहीं, मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी काफ़ी बीमार रहती है, मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी इन चीज़ों में पड़े क्योंकि मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती है, दूसरा वो बहुत परेशान हो जाती है इन चीज़ों से। तो किसी भी माँ के लिए ना, अपने बच्चे के लिए ये डिसीज़न लेना कि उसके शरीर का अंग निकाला जाएगा, तो हमारी जो मम्मियाँ होती हैं ना बहुत घबरा जाती है। मेरी मम्मी को भी इस चीज़ से बहुत घबराहट होती है, वो कहती नहीं है लेकिन उनकी बातों से लगता है। तो मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं कि मतलब एग्री हैं वो, उनकी वाइफ उनको किडनी दे रही है। तो बस यही प्रोसेस था। सामने मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी बैठे हैं, वो भी मेरे पिता से मेरे लिए कम नहीं है। और सामने मेरी दोनों सिस्टर्स बैठी हैं, मेरे भाई भी यहीं है, वही वीडियो बना रहा था। और ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, ये वीडियो बनती ही है जब ये वाली मीटिंग होती है ना, तो ये वीडियो बनवाते ही हैं जो डॉक्टर्स होती है ना, डॉक्टर्स की टीम आती है, 4-5 बड़े बड़े डॉक्टर थे मेरठ के काफ़ी। तो मुझे हस्बैंड के साथ में बैठाया गया, फिर हम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, शादी को इतना टाइम हो गया, कितने बच्चे हैं, क्या है, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, आप किडनी दे रही हो, बाद में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। बच्चों की देखभाल कर पाओगी? ऑपरेशन के बाद में थोड़ा समय ऐसा लग जाता है, मेरा मतलब बैलेंस बना के चलोगे? आप अपना गुर्दा अपनी इच्छा से दे रही है इनको, किसी का ये परिवार की तरफ से या किसी का भी आपको दबाव तो नहीं है, जबरदस्ती आपको देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? जोर से बोलो भाई,
हाँ मैंने बोल दिया पीएल शर्मा में ना, पीएल शर्मा आपकी माता सर पता नहीं आया कि वो बीमार है। कितनी होगी? अच्छा उन्होंने कोई परेशानी तो नहीं? आप तो मुर्दा देखे हो सर? नहीं उनका एफिडेविट लगा हुआ है इसमें? हाँ जी लगा हुआ है। अच्छा कितने भाई हैं आप? मेरे दो भाई हैं सर। क्या क्या नाम है उनका? एक का निखिल है, एक का पारित है। यहाँ कौन आया? मेरा छोटा भाई आया निखिल। निखिल कौन सा है? निखिल मैं हूँ जी। निखिल इसका अपना अपना बताओ थोड़ा सा, कीचड़ उल्टा कर लो। ये कितनी है? मेरी 38। हाँ आपका नाम क्या भाई? मेरे निखिल। हाँ चिपड़ा कौन लगती है आपकी? सिस्टर सगी है। कौन है? सही है। आपकी बहन आपके जीजा जी को अपना लेने के आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं जी को परिवार में सहमत है, पूरा परिवार सहमत है। आपके बहन भी है? कितने बार पूछो सामने तुमको कितने में आएगा? जी हां मैं भी अभी किसी तरीके से है ना, कोई बात नहीं। आप कोई इनको आप कब आ सकते हैं? ईश्वर ना करे कोई परेशानी आ जाए ना। ओ इस चीज को आप इस तरह से कर दिया गया है ऐसा कोई प्रॉब्लम हो बात सकते हैं ठीक ही होगा। हां ठीक लेकिन अगर आप कौन है? देखो आपकी बहू रानी मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या रहा हूँ बात है कि आपकी बहू रानी आपके बेटे को मुर्दा दे दी और उनका परिवार भी अपनी इच्छा से दे रहे हैं आपके बेटे को। इसका बहुत जरूरी होगा, इसका जो मुर्दा देता है मुर्दा लेगा उसकी सेवा तो है ही है, जो मुर्दा दे रहा है उसका भी ध्यान रखना पूरी है पूरी। आप सबके परिवार का दायित्व है पंचायती, तो आप हेड हैं करके इसलिए मेरा थोड़ा सा संयम रखना है कि अपनी बहू का भी ध्यान रखना। बहुत बात यह है कि इनके हम रीडिंग है, अगर हमारा फर्ज अपने फर्ज हमारा ये भी है पूछना कह रहा था ठीक है हमें पूरी तरीके सब सब तरीके से और देखिए ये सीएमओ सर हैं मेडिकल में जो चीफ होते हैं ना मेरठ के, और काफ़ी सपोर्टिव टीम थी, बहुत अच्छे थे, बेटा बेटा करके वो बात कर रहे थे, उन्होंने अच्छे से मुझे समझाया, मुझे अच्छा लगा। तो डॉक्टर्स हमारे फ्रेंड होते हैं, हमें उन पर बिलीव करना पड़ता है क्योंकि एक लाइफ का सवाल होता है। अभी मैंने आपसे मिलवाया था और देखो मेरी दीदी आई है तो कितना अच्छा लग रहा है, अपनी बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है ना। और ये वाली जो दीदी है ना तो नीचे आप कमेंट पढ़ना अपने चैनल का नाम, अपने आप बताओ। मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ जूही शर्मा 57 करके एक चैनल है और क्राफ्ट की बहुत अच्छी वीडियोज डालती हैं दीदी, एम्ब्रॉयडरी की डालती हैं, उसके अलावा आप पेंटिंग्स की देख सकते हो और क्राफ्ट की देख सकते हो, आप जरूर जाके देखना मेरी रिक्वेस्ट पे, एक बार ट्राई करना देखते हैं।
और पता है गिटार की बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बेटा बहुत बढ़िया गिटार बजाता है, तो आप लोग जरूर एक बार विजिट करना चैनल को। और मेरी वाली दीदी है भजनपुरा में रहती हैं और बहुत ही बढ़िया स्टिचिंग करती हैं, और मेरी दीदी का बुटीक भी है। तो देखो मेरी सारी सिस्टर्स हैं ना, बहुत ही परफेक्ट हैं सब चीज़ों में, और हम 4 सिस्टर्स हैं, अभी 3 हैं। मैंने आपको बताया था अपनी ट्रेजिक स्टोरी की, मेरी एक दीदी नहीं रही, और जब हम मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनकी कमी बहुत फील होती है ना, है ना, बहुत याद आती है। और पता है हम लोग भी हाइट इक्वल्स ही है, बट दीदी बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी। और आज अचानक से दीदी को आना पड़ा दोनों को, और उन्होंने इतना टाइम दिया। इधर मेरा छोटा भाई बैठा है, तो बस आप लोगों से मैंने मिलवाया अपनी सिस्टर्स को, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और दीदी के चैनल को ज़रूर देखना, जूही शर्मा 57। ओके दोस्तों, देखते हो दीदी? हाँ जी मैं देखती हूँ। कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी। दीदी थोड़ा बिजी रहती है। मैं बिजी रहती हूँ, इसलिए कम देखती हूँ, लेकिन मेरी बेटी जरूर देखती है। बेटी देखती है मेरी भांजी, तो दीदी का बुटीक है तो आप समझ सकते हो कितना बिजी रहती होगी। बिजी तो मेरी भांजी ये भी रहती है, बट फिर भी टाइम निकालती है। और यहाँ पे हम तीनों बहनें बात कर रहे थे, और मैंने म्यूट ही किया दोस्तों, हम ऐसे अपने बारे में बात कर रहे थे, तो आप भी सुन लो जब तीन बहनें मिलती हैं तो कैसी कैसी बातें करती हैं। मेरे अब हुए हैं जाकर, मैं नहीं सेना नुकसान होने का, अब हुए हैं मेरे, मेरे तो है, तो बहुत है यहाँ से, कहते हैं कि अब थोड़ी बहुत बुढ़िया तो होगी। नहीं तो वो कल अभी वो मत लगाई, वो मेहंदी लगाई लगाई ना थोड़ा टेंशन वेंशन लो ना, उससे भी हो जाएगा बालों का। चलो ठीक, अच्छा है, सक्षम, बाय बाय। तो दोस्तों सिस्टर्स तो चली गई, और मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, और उसके बाद में आपसे मिलती हूँ, कि आज मैं काफ़ी थक गई हूँ। मॉर्निंग से कुकिंग में लगी हुई थी, और फिर उसके बाद दोपहर में CMO के ऑफिस, और अभी इवनिंग में भी चाय वगैरह बनाई, दीदी वगैरह गए, तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, आपसे बात करती हूँ। ठीक है, और माता रानी का नवरात्रि का कुछ सामान नहीं आया, तो नवरात्रि का सामान लेके आती हूँ, पहले कल वो करनी है पूजा माता रानी की, मैं माता को बहुत मानती हूँ, तो चलिए चलते हैं सामान ले चलते हैं। तो बस यहाँ पे फूल ले लेती हूँ कुछ माता रानी के लिए, कुछ गेंदे की माला ली थी, और रेड वाले फूल लिए थे, फिर माता जी को लाल रंग के गुलाब तोड़ते हैं, ज़्यादा कुछ माला ही नहीं दी थी, बस गेंदे की एक माला, और ज़्यादा कुछ नहीं लाई। चलिए और घर पे आ गई हूँ, लाई कहते हैं पूजा में, तो अधिकतर यही चीज़ें सब लोग लाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पूजा का सामान नहीं लाई। हर बार मैं कुछ पीतल का या इस तरह की चीज़ें पूजा में ऐड कर लेती हूँ, वो अभी मैं ऐसा कुछ लाई नहीं इस बार, नेक्स्ट टाइम लाऊंगी, अगली बार माता रानी सब अच्छा अच्छा करेगी। पूजा का तेल ये तो सब लाते ही हैं, ये लगाने के लिए सेंधा नमक, वैसे मेरे घर में सेंधा नमक ही यूज़ होता है, बट उसमें थोड़ा सा अन्न का हाथ लगा हुआ है ना, धूप बत्ती, कुट्टू का आटा, माता जी मिश्री, और ये धूप बत्ती, यही लगते हैं सब लोग। एक पूजा के लिए घी का पैकेट, रोली, किशमिश, क्योंकि पंचमेवा रखती हूँ मैं अपनी पूजा में, तो पंचमेवा रखूँगी, तो उसके लिए और सब चीज़ें मेरे पास हैं, बट श्योर ये नहीं था। नारियल, मम्मी इसमें क्या है? इसको चॉकलेट बता रहा है। नहीं चॉकलेट नहीं, कपूर है, सुपारी, नारियल है, और ये कला, तो ये सारी चीज़ें पूजा की जरूरी चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा में ऐसा लाई नहीं, बस एक सुंदर सी चुन्नी लाई हूँ माता जी की, काफ़ी बड़ी सी, मैं आपको दिखाती हूँ, तो काफ़ी बड़ी सी चुन्नी है, इसको हम ना मंदिर को डेकोरेट करने में भी यूज़ कर सकते हैं, पीछे की दीवार काफ़ी अच्छी लग रही मुझे। बस ये पूजा का सामान लाई, और पूजा के जो फूल हैं और आता पान का पत्ता रखते हैं माता रानी के लिए, और रेड कलर के गुलाब के फूल, तो वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया, नहीं तो बाहर ख़राब हो जाएंगे गर्मी से, मामा आ गए। और बस अभी डिनर में आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सब्जियाँ काफ़ी सारी पड़ी हैं, बस राइस बनाया मैंने, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, तो हस्बैंड भी दही से राइस वगैरह कुछ खा लेंगे, आज थक गई मैं थोड़ा, और अभी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि छोले भी बचे हुए पड़े हैं, छोले बनाए थे दिन में, रायता बनाया था, पेटा बनाया था, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी कढ़ी भी रखी, तो सब्जी को फिनिश करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कल से नवरात्र प्रारंभ है, और आज सुबह काम करते हुए मेरी आँख में ना छींटा आ गया था, जैसे सब्ज़ी फ्राई की तो एकदम से छींटा तड़क के ना ऊपर आ गया तेल का, मैं डर गई थी कि भाई आँख में ना आ गया, लेकिन बच गया, तो
बस यही। और चलिए दो मैसेज पढ़ लेते हैं दोस्तों के, जैसे मैंने कहा था कि दो मैसेज रीड करा करूँगी। और फेस से आज टायर्ड लग रही हूँ, थक गई आज मैं काफ़ी। मैसेज रीड कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है डिम्पल शर्मा जी, और बहुत ही ब्लेसिंग्स देती हैं वो हमेशा, और उन्होंने वो ओम साईं राम हमेशा लिखती है, और मैं भी साईं राम से ना बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। और उन्होंने लिखा है, नाइस शेयरिंग साईं जी, ऑलवेज आपकी फैमिली के ऊपर कृपा वाला हाथ रखें। साईं बाबा जी ऑलवेज ब्लेस यू एंड ब्लेस यू विद योर फैमिली। ओम साईं राम, ओम साईं राम दोस्त। साईं बाबा का नाम लेने से ही कहते हैं कितने सारे दुख मिट जाते हैं। और साईं बाबा के दो शब्द हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, और वही उन्हीं का मैं पालन कर रही हूँ आजकल। तो मेरी श्रद्धा भी पूरी है और सबूरी, यानी कि सब्र करो, तो वही मैं सब्र कर रही हूँ। जो चीज़ें उन्होंने जब जिस टाइम पे लिखी होंगी वो उस टाइम पे होती चली जाएंगी। और कर्म करना अपने हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है, तो अपना देखिए लगे हुए हैं अब क्या होता है, आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। और थैंक यू डिम्पल जी, आप इतना प्यार देते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो, थैंक यू सो मच। ओम साईं राम। और एक और मैसेज कर लेती हूँ दोस्तों। सुमन शर्मा जी कह रही है, नज़र का टीका तो भूल गई, बहुत सुंदर लग रही हो, थैंक यू सो मच। तो ये वाला कमेंट मेरी जो मैंने मेकअप वाली वीडियो डाली थी उसका है। तो नज़र का टीका मुझे भगवान जी ने लगा के दिया। देखो मेरे यहाँ ना चेन पे एक तिल है, बड़ा मोटा सा तिल है। और दूसरा पता है, नज़र का टीका की जहाँ तक बात है, सुंदरता ना देखने वालों की नज़रों में होती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, है ना, और किसी के लिए आप अच्छी थिंकिंग रखते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके मन में किसी के लिए अफेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है ना, तो वो आपको कैसा भी अच्छा नहीं लगता। तो ये आपका प्यार है, तो इसमें आपके देखने के नज़रिए की बातें हैं ना। आपका प्यार है इतना कि आपने मेरे को ऐसा बोला, थैंक यू सो मच। और अपनी फैमिली में किसकी नज़र लगेगी यार। तो मैं भी, और मेरी फ्रेंड लिख रही थी कि मैं डेली बेसिस पे बहुत सिंपल रहती हूँ अपने आप के लिए, तो मैं भी सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। और कभी कभी अच्छा लगता है थोड़ा सा। अभी मेरी वीडियोस इस टाइप की हैं कि मैं फिर आप लोगों के साथ में कोई डिफरेंट डिफरेंट शेयर करूं, तो मैंने सोचा चलिए मेकअप भी शेयर कर लेते हैं, नो सक्सम छोटा नहीं कर रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूं, और आप लोगों को आई थिंक अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल से नवरात्र प्रारंभ है, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ जब पूजा करोगे माता रानी के सामने मेरे नाम से हाथ जोड़ना, शिप्रा के जीवन के दुखों को दूर करो माता रानी। मेरे पति की बहुत लंबी उम्र, मुझे सदा स्वागत का आशीर्वाद। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सबको बहुत सारा प्यार दोस्तों।